आप देख रहे हैं खबर आपकी राजस्थान न्यूज चैनल। मंदसौर जिले के शामगढ़ में पुलिस द्वारा अवैध रूप से शराब को परिवहन करते हुए शामगढ़ की ओर आ रहे इनोवा कार को मुखबिर की सूचना पर पुलिस ने ढाबला गुर्जर रोड और कार पैलेस के पास घेराबंदी कर कार के अंदर से 7 पेटी देसी एवं विदेशी शराब को पकड़ ली, जिसकी कीमत 28,000 रुपए कीमत बताई गई है। पकड़ी गई शराब का वाहन चालक आरोपी मनोज बैरागी नामक व्यक्ति राजस्थान के नजदीकी भवानी मंडी से ला रहा था। उसे पुलिस द्वारा मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर पकड़ा। ये शराब राजस्थान से ला रहा था। आरोपी मनोज भवानी मंडी का रहने वाला है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है कि ये अवैध शराब कहां से लाया और कहां देने जा रहा था। फिलहाल पुलिस ने आरोपी के खिलाफ प्रकरण दर्ज कर अवैध शराब की जांच में जुटी। खबर आपकी राजस्थान से, शिवपाल सिंह देवरा की रिपोर्ट। कल रात को गौरव लाल और उसकी टीम द्वारा ओकार पैलेस ढाबला रोड पर मुखबिर की सूचना पर घेराबंदी कर एक इनोवा कार RJ08-10-88 ये पकड़ी है। इसमें 10-18 RJ08-UA-10-18 इसमें 7 पेटी देसी विदेशी शराब थी और उसको चला रहा था, गाड़ी को चला रहा था मनोज पिता बंशीधर बैरागी निवासी भवानी मंडी राजस्थान का रहने वाला है और करीबन 60 लीटर शराब है इसके अंदर। 7 पेटी है और कीमती 28,000 रुपये की शराब पकड़ी गई वही कार से। किससे लाया था ये कुछ जानकारी? पूछताछ करते इसने बताया कि श्याम नाम का व्यक्ति है जिसको ये जानता है भवानी मंडी का, उसने इसकी कार में शराब भरवाई थी और वही श्याम बता पाएगा ये शराब किसको देना थी। एक आरोपी है इसमें जो मौके पे कार में जो था एक अकेला। रात को कितने बजे घटना है? ये रात को करीबन 1:40 की बात है। 28,000 के करीब की शराब है और 10 लाख के करीब की कार है, इनोवा कार है।